हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम पाठ 17 सांस सांस में बांस का अध्ययन करते हैं। प्रस्तुत पाठ एलेक्स एम जॉर्ज के द्वारा निबंध शैली में लिखा गया है। इस पाठ में बहुत ही उपयोगी पेड़ बांस का वर्णन किया गया है। एक जादूगर थे चंगलनबा। अपने जीवन में उन्होंने बहुत से कर्तव्य दिखाए, बड़े बड़े कर्तव्य दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के 6 दिन मेरी कब्र को खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के 6 दिन उनकी कब्र खोदी गई तो उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने इन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत या बहुत अधिक मात्रा में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी या प्रचलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड में बांस की बनी अनेक वस्तुएं बनाने में लोग बहुत ही कुशल होते हैं। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार उसमें बहुत से बदलाव हुए हैं अब हो भी रहे हैं। कहते हैं बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए उसने ऐसी डलियानुमा चीज़ें बनाई होंगी। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी का आकार और बुनावट की तरकीब या उपाय हाथ लगा हो। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की कपचियों से ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। असम में ऐसी ही एक जाल जिकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपचियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। निचले नुकीले सिरे पर खपचियाँ एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं। खपचियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। असम के चाय बगानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियाँ पहने दिख जाएंगे और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना न भूले। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वे एक से अधिक साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छील कर खपचियाँ तैयार की जाती हैं। खपचियों की लंबाई पहले से तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपचियाँ काटी जाएं। यानी कहाँ से काटा जाए यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। आमतौर पर खपचियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा होती है। चौड़ी खपचियाँ किसी काम की नहीं होती, इन्हें चीर कर पतली खपचियाँ बनाई जाती हैं। पतली खपचियाँ लचीली होती हैं। खपचियाँ चीरना उस्तादी का काम होता है। हाथों की कलाकारी के बिना खपचियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं। इस हुनर या गुण को पाने में काफ़ी समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपचियों को चिकना बनाना ज़रूरी है। यहाँ फिर दाव काम आता है। खपची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपची को दबाए रखता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दाया अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपची को दबाव बनाते हुए घिसाई करता है, जब तक खपची एकदम चिकनी नहीं हो जाती। यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपचियों की रंगाई। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है।
काले रंग के लिए इन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपचियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिज़ाइन बनता है। पलंग की निवाट की बुनाई की तरह ट्विल बनाना, तो हर एक बाना दो या तीन तानों के ऊपर नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिज़ाइन बनाए जाते हैं। टोकरी के सिरे पर खपचियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या फिर घर पर ही काम में ले लो। थैंक यू।